और छत्तीसगढ़ शासन कार्यालय में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद में वित्तीय अनियमितताओं के चलते करोड़ों रुपए की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताएं की गई है। वेंडरों को समय में राशि प्रदान नहीं करने के चलते बजट वितरण संबंधित जानकारी लेने पर आर्थिक गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला कि बजट वितरण संबंधित कर्मचारी द्वारा बिना प्रशासकीय स्वीकृति के करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। बता दें कि नियमित रूप से किसी भी शासकीय राशि को स्थानांतरण करने से पहले स्वीकृति आदेश होना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग बालोद में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और अनदेखी भी की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए बार बार निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना तो दूर, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, तो वहीं बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने करोड़ों रुपये की बजट का बंदरबांट कर रखा है। ज्ञात हुआ है कि यहाँ का कर्मचारी जो है बिना प्रशासकीय स्वीकृति के बजट जो है बीएमओस को ट्रांसफर कर रहे हैं। चूंकि संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करवाई जा रही है। यदि जांच में यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है, उसके अनुसार जो है उच्च अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा।